बिहार में महागठबंधन में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी। नीतीश को मंच सही सहयोगियों से करनी पड़ी अपील। चिराग पासवान ने बताया क्यों नीतीश से नाराज है सहयोगी दल। लोकसभा चुनाव तक महागठबंधन में लग जाएगी बड़ी सेंध। नीतीश कुमार ने करीब 7 महीने पहले बीजेपी से नाता तोड़ दिया था और महागठबंधन में शामिल हुए थे, तो बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई थी। बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई थी, क्योंकि एक ओर 7 दलों का गठबंधन तैयार हो गया था तो दूसरी ओर बीजेपी अकेली पड़ गई थी। बीजेपी की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी पहले ही उसका साथ छोड़ चुकी थी। नीतीश ने साथ छोड़ा तो जीतन राम मांझी की पार्टी भी उनके साथ ही चली गई। मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं जेडीयू के साथ था, इसलिए जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहीं हम भी जा रहे हैं। लेकिन अब मांझी का मन डोल रहा है। पिछले दिनों उनका एक बयान निकलकर सामने आया था कि पीएम मोदी भी उनका सम्मान करते हैं और मांझी का यह बयान भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा था। दरअसल बिहार में इस समय सामाजिक समीकरणों को बीजेपी दुरुस्त करने में लगी है। नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक अति पिछड़ा में सेंधमारी के बाद बीजेपी की नज़र जीतन राम मांझी पर भी है और मांझी के पाला बदलने का डर नीतीश कुमार को भी लग रहा है। इसलिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन की रैली में मंच से ही मांझी का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी महागठबंधन के सहयोगियों को तोड़ने का काम कर रही है। अब ये लोग मांझी जी पर लगे हुए हैं। मांझी जी को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हम लोग उनको आगे बढ़ावा देंगे, सब करेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं करेगा। मांझी पर बीजेपी के कई आरोपों पर सफाई देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कभी भी मांझी का अपमान नहीं किया है, हमने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। बीच में वो बीजेपी के साथ चले गए थे लेकिन बीजेपी ने मांझी को कुछ भी नहीं दिया। दरअसल मांझी के बीजेपी में जाने के संकेत 1-2 महीने से मिल रहे थे। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर भी मांझी तंज कसते दिखाई पड़ रहे थे कि इससे बिहार का भला नहीं होगा, तो खुद भी बिहार की यात्रा पर निकल पड़े थे। बीजेपी तो नीतीश कुमार पर निशाना साध ही रही थी, साथ ही साथ मांझी भी वही कर रहे थे और दूसरे जेडीयू नेताओं पर दौरे डाल रहे थे। वहीं चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल रखा था। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि हम लोग मिलकर जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात भी नीतीश कुमार ही कर रहे थे। वो हर उस इंसान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं जो जेडीयू का नेता नहीं है। अपनी कुर्सी के लिए नीतीश जेडीयू को कमजोर करके दूसरे दलों को मजबूत करने की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि वो किस दल के नेता है। वो सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ बिहार को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। नीतीश पर तंज कसते हुए चिराग ने कहा कि वो खुद ही दूसरों की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो इंसान दूसरे के दम पर सीएम बना हो वो दूसरों को क्या आगे बढ़ाएगा। चिराग ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल नीतीश कुमार परेशान चल रहे हैं और परेशानी उनकी जुबान पर दिख रही है। नेताओं को हमेशा अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हम विरोधी की कार्यशैली की आलोचना तो करते हैं लेकिन कभी भी विरोधी के लिए डीलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। नीतीश कुमार विरोधियों को डीलर कह रहे हैं लेकिन खुद ही डील करते घूम रहे हैं। डील वाला शब्द नीतीश कुमार दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के नेताओं ने ही कहा था कि नीतीश कुमार दूसरे दलों से डील करते घूम रहे हैं। दरअसल जेडीयू संसदीय दल के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि नीतीश ने लालू यादव से बड़ी डील की है जिसमें जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।